हेलो, आदाब, नमस्कार, जय जनीन, केम छो दोस्तों, वेलकम बैक टू डायनामिक डूअर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन। आई एम डेफिनेटली नॉट अ हेयर केयर एक्सपर्ट, लेकिन जब मुझे डिलीवरी और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ तो मैंने अपने घर के बने नुस्खों से कुछ हेयर ऑयल बनाया। खाने में कुछ चीज़ें इंक्लूड की जैसे कि हलीम और इससे बनी रेसिपीज़, और बनाए कुछ हेयर मास्क और इन्हें रेगुलरली अप्लाई किया, जिससे मेरा हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो गया और हेयर अच्छे से ग्रो हुए, जिससे मेरे फिर से रिकवर हुए बाल और मैं अब एनी स्टाइल कर सकती हूँ पिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई फॉलोड वॉज ऑयलिंग, और ये ऑयलिंग के लिए जो ऑयल मैंने यूज़ किया वो मैंने घर पर बनाया था। इसके लिए मैंने सारे ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए, और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये ऑयल कैसे बनाया। इसके लिए मैंने घर में ही ऑयल और ये सारी चीज़ें ली थी, जिसमें से फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेरा था जो था वो था कोकोनट ऑयल, प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल है। इसमें मैंने कैस्टर ऑयल मिलाया, देन एलमंड ऑयल मिलाया, और इसमें मैंने कुछ डाली कलौंजी के दाने और कुछ मेथी दाने। कलौंजी जो है वो हेयर फॉल रोकने में बहुत कारगर होती है। और फिर मैंने डाले इसमें बहुत सारे अच्छे से फ्रेश करी पत्ते, करी लीव्स। करी लीव्स हेयर फॉल में बहुत लाभदायक होती है। और फिर मैंने इसमें डाले गुड़हल के फूल यानी हिबिस्कस के फूल, और इसे मैंने मीडियम आँच पर तल लिया। ध्यान रहे कि आँच इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना पत्ते जल जाते हैं। और इसमें मैंने हिबिस्कस के ही कुछ लीव्स भी लिए हैं, यानी गुड़हल के ही पेड़ के कुछ पत्ते, ताज़े पत्ते लिए हैं। और इसमें मैंने डाली तुलसी। तुलसी तो एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल है ही, तो ये जैसे बालों में रूसी वगैरह की दिक्कत हो, अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत कारगर होता है। इसी तरह से इसमें आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड या कम कर सकते हैं। और इस तरीके से क्रिस्प होने तक मैंने तल लिया और इसे ओवरनाइट ढक के रख दिया। इसके बाद जब ये तेल ठंडा हो गया तो इसे कांच की बोतल में, कंटेनर में मैंने छान लिया, और ये हेयर ऑयल रेडी। और इसी हेयर ऑयल से मैंने बालों के स्कैल्प में यानी कि जड़ में मसाज किया, अच्छे से हाथों से मसाज करके इसे ऑयल को लगाया। वीकली एक बार इस तरीके से ऑयल से मसाज करके फिर वॉश किया, और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा हेयर लॉस काफ़ी हद तक रुका। इस ऑयल में आप जैसी अपनी प्रॉब्लम हो उस अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड या कम कर सकते हैं। जैसे कि ठंड में आप इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं। अगर आप के बालों में रफनेस की प्रॉब्लम है तो इसमें एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से ऑयलिंग करने के बाद मैं बालों को इस तरीके से अच्छे से लपेट के बांध के जूड़ा बना के रखती हूँ एटलीस्ट एक घंटा पहले, हेयर वॉश करने से एक घंटा पहले, ताकि ऑयल अच्छे से जड़ में एब्जॉर्ब हो जाए। और इस तरीके से देखिए आप, वॉश करने के बाद मेरे बालों में मुझे बहुत ही अच्छा सा शाइन और सॉफ्टनेस फील होता है। और मैं बालों को एयर ड्राई ही करती हूँ, इसे ब्लो ड्राई करती नहीं हूँ जनरली, अनलेस बहुत नेसेसरी ना हो तो। आफ्टर द हेयर आई कम्प्लीटली ड्राई, मैं यूज़ करती हूँ ये पेडल ब्रश। इसके जो ब्रिसल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे बाल टूटते नहीं। और वुडन ब्रश इसलिए लेना चाहिए कि जिससे बाल चार्ज नहीं होते, तो इससे जो बालों में रफनेस आती है वो नहीं रहती। और फिर एंड्स पे थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके उसे थोड़ा सा हाथ से मसल के बालों के एंड्स पे अच्छे से इसको फिर से थोड़ा सा लगा ले, जिससे कि बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं रहती, और अगर हो तो कम हो जाती। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इंटरनल हीलिंग वाली रेसिपी, यानी कि जो अंदर से आपके हेयर लॉस को कम कर सकती है। तो इसके लिए जो हलीम के सीड्स यानी आलिफ के सीड्स होते हैं, इनको यूज़ करके एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो 100% प्रूवन है हेयर लॉस रोकने के लिए।
तो ये रेसिपी मैं बनाती हूँ और इससे मैंने लड्डू बना लिए थे, छोटे छोटे बॉल साइज़ के। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और मैं इसकी रेसिपी की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और डेली इस तरीके का एक लड्डू खाने से इंटरनली आपकी बहुत हीलिंग होती है और हेयर लॉस रोकने में बहुत मदद होती है। देन थर्ड वॉज द हेयर पैक दैट आई नीड। इसके लिए मैंने रात भर मेथी दाने पानी में भिगो के रख दिए, ढक के, 1 टेबल स्पून इस तरीके से। और पूरी रात भर सोक करने के बाद ये ऐसे फूल जाते हैं। और फिर इसमें मैंने ले लिया इक्वल क्वांटिटी दही और इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया ताकि इसकी इस तरीके से पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को मैंने अपनी हेल्पर की मदद से इस तरीके से बालों में अच्छे से लगा लिया एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये सिंपल सा हेयर मास्क इज़ अ मैजिक, ट्रस्ट मी। आप इसे बाल धोने से 20 मिनट पहले लगा लीजिए एंड देन लुक एट द इफेक्ट। इट मेक्स योर हेयर लुक सो सॉफ्ट एंड सो ब्यूटिफुल, सो शाइनिंग, यू वॉन्ट बिलीव इट्स योर हेयर। बालों से बार बार उंगलियां घुमाने का मन होता है, इतना ब्यूटीफुल शाइन और सॉफ्टनेस बालों में आ जाता है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रिमिंग, रेगुलर ट्रिमिंग। जब भी बालों में लास्ट के 2-3 इंच लगता है ना कि थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, देन डू दिस, 1, 2 एंड 3, टाडा। यू नो, दिस रेगुलर ट्रिमिंग करने से भी आपका हेयर लॉस बहुत कम होता है और जो आपके हेल्दी बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं और आपके बालों के अंदर और भी जान नज़र आती है। तो आई होप यू लाइक दिस रूटीन दैट आई फॉलो एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल डू लेट मी नो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।